as we grow up, we are not a small company anymore. So we can't use the same attitude towards product development. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम सुना था कि वन प्लस अपने एक्सपेंसिव फोन यानी फोल्ड और फ्लिप में काम कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर हमको पता चलता है कि यहां पर वन प्लस अपना 12 सीरीज में भी काम कर रहा है, जो कि बहुत ही जल्दी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वन प्लस 12 सीरीज का जो है कैमरा मॉड्यूल सब कुछ चेंज होके आ गया। यहाँ पर हमारे पास लीकेज देखने को आया है। डिजिटल चैट स्टेशन से हमको पता चलता है कि वन प्लस 12 सीरीज में जो है पेरिस्कोप लेंस देखने को हमको मिलेगा, जो कि बहुत ही तगड़ा कैमरा परफॉर्मेंस निकल के आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ओप्पो शाओमी स्मार्टफोन में जो 120x का जूमिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, वैसे ही हमको इसी वन प्लस 12 सीरीज में देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें, यहाँ पर 8 Gen 3 का जो है प्रोसेसर हमको स्नैपड्रैगन का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 14 पे ये बेस्ड होगा। यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये हमको बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर गेमिंग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर हमको पता चलता है कि इसमें आपको जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जैसे सैमसंग में होता है, वैसे ही इस स्मार्टफोन में हमको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सैमसंग यूआई में जो लॉक स्क्रीन सेटअप हमको देखने को मिलता है, वही वन प्लस में अभी यूज़ होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्प्ले के साथ सपोर्ट देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो है शाओमी का जो वेजरलेस स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, उसको प्रॉपरली कॉम्पेट करने वाला है। ये कब तक देखते हैं इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कब तक लॉन्च करेगा, मैं इसका अपडेट आपको जल्द ही जल्द देता रहूँगा। इसके लिए आपको जो है करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगला एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रख।